कुछ अपना होटल था और यहाँ पे नीचे क्लॉक रूम है, ये पे देखो यहाँ पे लिखा मिल जाएगा बिल्कुल पार्किंग के सामने। अभी यहीं बैग रखे हुए हैं अपने, ये बैग छोड़ के भी जा रहा हूँ क्योंकि नीचे से पार्किंग में से बाइक लेकर आनी है। अरे कौन से मैं हूँ, सिस्टम हैंग हो गया भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू ऑल द व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, बड़े घूम रहा था, राम छोड़ गया लो, आई होप सभी बढ़िया हो गए भाई। मैं भी एकदम सब बढ़िया हूँ। और रात भाई यहाँ पे आके इस होटल में रुक गए थे, ये कुछ टीन सेड है, यहाँ पे टीन इसलिए बनाई जाती है अगर बर्फ़ पड़ जाए तो भाई बर्फ़ नीचे पिघल के ऐसे गिर जाए। और भाई बिल्कुल पार्किंग के सामने, अगर आपको भी लेना है तो आप भी ले सकते हो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, रूम भी और डॉर्मेट्री भी। और भाई आज का ऐसा प्लान है कि या तो तुंगनाथ निकल रहे हैं या बद्रीनाथ, देखते हैं क्या करते हैं। अभी नीचे जाके बात करता हूँ मैं, और मैं लोग एंड नहीं कर पाया था, ऊपर ही आया था तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी पहले करना क्या है, बाइक उठानी है, बैग लेने हैं क्योंकि बैग जो है क्लॉक रूम में मतलब रखे हुए हैं भाई, और वहाँ से हेलमेट भी लेना है। तो वही वाली चीज़ है, क्लॉक रूम भी यहीं नीचे है बिल्कुल सामने इसी पार्किंग के, यहाँ पर अपने बैग डिपॉजिट करा सकते हो भाई। मैंने नेक्स्ट मतलब लास्ट जो वीडियो थी यानी लास्ट व्लॉग था उसमें मेंशन किया था यहीं नीचे ही है, ठीक है। तो अभी ये सब काम करते हैं और फिर मिलते हैं। रेडी होकर नीचे आ गए और ये कुछ अपना होटल था और यहाँ पे नीचे क्लॉक रूम है, ये पे देखो यहाँ पे लिखा मिल जाएगा बिल्कुल पार्किंग के सामने। अभी यहीं बैग रखे हुए हैं अपने, ये बैग छोड़ के भी जा रहा हूँ क्योंकि नीचे से पार्किंग में से बाइक लेकर आनी है। और वैसे अगर देखो यहाँ पर खाली रहती है ना, अपनी बाइक भी पार्क कर सकते हो यहाँ पर, मतलब अगर ये भी नहीं दे रहे हैं होटल वाले पार्किंग से बात करके, मतलब इनसे होटल बुकिंग कराते हो ना, अपनी बाइक यहाँ भी पार्क कर सकते हो। और एक और चीज़ है भाई कि अगर जब ऊपर जाते हो ना, इनसे बात कर लो, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं ये, और यहाँ पर पार्क करके चले जाओ, सेफ़ रहता है। मतलब ये भी वहाँ भी सेफ है, और वहाँ ऐसा है कि स्क्रैचेज उस्क्रैचेज डाल दें बाइक में कोई पता नहीं है। दूसरी वाली लाठी का छोड़े है, मुझे क्या पता, तीनों तुम पे ही ना, अभी तीनों तेरे पे ही ना, वहाँ रह गए पीछे। एक किलोमीटर के आसपास नीचे जाना है और अपनी बाइक उठा के आनी है। और भाई आज पानी बढ़ गया, मतलब लाइक बारिश होने की वजह से, और व्यू भी अलग ही आ रहा है देखो, मतलब पानी एकदम नहीं जैसे मट्टी वट्टी टाइप सा दिखता है, नहीं बिल्कुल नीला टाइप। और देखो फ़ोन में ना ऐसा आ रहा है हल्का हल्का ग्रीनिश टाइप, हल्का हल्का। गाइस अपनी दोनों बाइक मिल गई है और दोनों कोल्ड स्टार्ट कर दिए, एकदम सेफ मिली है। बस हाँ देखो ओपन नहीं थी तो बारिश वारिश पड़ी है, गंदी हो गई है, और ये भी एकदम ठीक है, ओके है। पहली ही किक में और पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई अपनी दोनों, धन्नो। तो भाई अभी इन्हें लेके चल रहे हैं, ऊपर जाना है, बैग लेने हैं, बैग वैग दोनों बांधने हैं यहाँ पे, फिर असली मजा आएगा। आज हमारी राइड होने वाली है भाई तुंगनाथ की, कितना किलोमीटर था, 70 के आसपास ही पड़ जाएगा। बैग बन चुके हैं दोनों बाइकों पे अपनी, अब निकलने का टाइम है, इट्स टाइम टू गो तुंगनाथ। है भाई रेडी, हाउ द जोश, बहुत गंदे बोले, हाउ द जोश। अरे कपड़े गंदे हो रहे हैं भाई, अरे वो तो देख मेरे भी गंदे हो रहे हैं, ये जैकेट देखिए तेरा, ये साले डार्क कलर है तेरा, दिख रहा मेरा साला लाइट ग्रे। हां ये हल्के फुलके, हां जी हाउ द जोश, बढ़िया यार। जाते जाते ऊपर चलना, फिर साबुन गुरु सुलाने चाहिए कपड़े धोने के लिए, जाते ऊपर चल रहे हैं, एक काम कर रहे हैं तुंगनाथ, भाई हम कल्ला नहीं कर सकते, तो महादेव के लिए कल लंगड़ा था वो, तू यार भाई घुटने में पट्टी तेरे बन रही, फिर भी आ गया, मैं भी तो आ गया, चल ठीक है आके सो ही तो गया मैं, लास्ट का 1.5 किलोमीटर कैसे खींचा मैंने, टाइट खींचा करते करते, कितना सही खींचा, चलो कोई बात ना चलते हैं, आ जा चल रहे हैं, चलो देख NS में भी ये पीछे लगवा सकते हो पैनियर और उसका भाई, और देखो हंटर में भी इस तरीके से लग जाता है, बहुत बढ़िया दिखती है हंटर भी, हाँ ठीक लग रही है, चलो चलते हैं भाई। और अपनी तो दोनों जाने मन लगी रही है तगड़ी। वेलकम टू बजाज एयरलाइन एंड रॉयल एनफील्ड एयरलाइन, और यहाँ से तुंगनाथ जो है भाई वो 70 किलोमीटर था, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ मेरे साथ जल्दी जल्दी में, क्योंकि सोनप्रयाग में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बारिश पड़ने लगी थी, अपने बैग्स पे कोई पन्नी वन्नी नहीं थी, यानी वाटरप्रूफिंग का कुछ सिस्टम ही नहीं था, तो उस वजह से हमें ना जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ा, और हम
कम से कम 20-25 किलोमीटर आगे आके मैंने फिर कैमरा लगाया, और जब कैमरा लगा रहा था तो मैंने ऑडियो आउटपुट यानी माइक का जो आउटपुट होता है वो लगाना ही भूल गया, और सोचा कि लगा पड़ा है और मैं यहाँ से निकल पड़े हम, कोई ध्यान ही नहीं था। ध्यान आया था एट दी एंड, कब ध्यान आया था फिर दोबारा से जब बारिश पड़ रही थी तब मेरा ध्यान गया बाइक पे कि भैया के मतलब बाइक पे सॉरी बाइक पे कह रहा हूँ कि भैया कैमरे पे ध्यान गया, अरे इसमें तो ऑडियो ही आउटपुट नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। और ये वादिया देखो, ये जैसे ही हम सोनप्रयाग से आगे निकलते हैं तो ये सीन रहता है भाई, इतना अच्छा व्यू रहता है, मतलब लाइक ये देख रहे हो ना रोड जो यहाँ पे और पहाड़ जो देख रहे हो, ये कट में पहाड़ को काट के रोड बड़ी करी जा रही है। और अभी तुमने एक चीज़ देखी होगी, पीछे जो टैक्सी वाला था वो आगे निकालने की कोशिश कर रहा था हमसे, वो भी बजाज एयरलाइन से भाई, ये डोमिनर 400 भाई, उसे समझाओ कोई जाके। तो भाई यही सब मतलब कॉमेंट्री में कर रहा था उस टाइम पे, और अब दोबारा से मैं वॉइस ओवर के सिस्टम के द्वारा ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और ऐसी ऐसी मतलब निकलते निकलते मतलब ध्यान ये था कि भाई सोच मतलब ये टाइम जो हो रहा था 1:30 के आसपास हो रहा था, मतलब 1:30 बज गया था क्योंकि हमने ऐसा था 9-10 बजे भाई रात में इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे कि सुबह 9-10 बजे सोके उठे हैं, फिर खाना वाना खाया, 1 घंटा उसमें लगा दिया, फिर बैग मतलब बाइक नीचे से लेकर आए, तुमने देखा होगा उसमें, तो फिर थोड़ा सा बैठे रहे आराम से, क्या अभी चल रहे हैं मतलब सोचने सवरने में ही वही 1-2 बज गए थे। फिर यहाँ से आगे निकले तो मतलब ये जो रोड्स देख रहे हो ये वही है जो यहाँ से तुम्हारे जोशीमठ से जो ऊपर आते हैं केदारनाथ की तरफ, वो वाली रोड्स हैं अब जैसे। और हमें तो एक बीच में इतना मतलब लाइक सड़दड़ सा हो गया था क्योंकि यहाँ पे बारिश आ रही थी जा रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा सरदर्दी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो जब बाइक से हो और तुम भीग जाओ, वाटरप्रूफिंग का तुम्हारे पास कोई सिस्टम ना हो, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसा मामला भी पड़ने वाला है कि भैया हम बारिश में फंसेंगे, क्योंकि ये कोई मौसम ही नहीं था बारिश का, पर फिर भी बारिश आ रही थी। और इसी चक्कर में हम चलते जा रहे थे, अपनी बाइक की थोड़ी सी तारीफ़ें कर रहे थे कि भैया 2-3 दिन खड़े होने के बाद भी पहले ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई, वो दूस पहली किक में स्टार्ट होकर और फिर निकल पड़ी, और ना ज़्यादा फ्यूल खाया था क्योंकि हमने रुद्रप्रयाग से आगे ही मतलब डलवाया था जो तेल था पेट्रोल, और दो या तीन बार कम हुए थे, और अपनी जो बुलेट थी भाई वो तो बहुत ही अच्छा दे रही थी एवरेज, तो इसी वजह से तारीफ़ें चल रही थी। तो यही ऐसी करते करते हम आगे बढ़ते चले गए, और मतलब फिर यहाँ से जाके हमने बताया कहाँ पे, तो अभी देखने को मिलेगा, पहले तुम वादिया चेकआउट करो ठीक है जी। भाई कर्तव्य बनता था कि अपने छोटे भाई को आगे रखूँ मैं, मतलब लाइक बाइक उसकी आगे रहे पीछे रह जाता था, क्योंकि देखो डोमिनर का तो ऐसा है कि बड़ी अच्छी से चल रही थी, लीन अच्छी हो रही थी, तो और देखो दोनों टायर नए थे, बट बुलेट में इतनी अच्छी ज़्यादा लीन नहीं होती और वो तो पीछे रह जाती है, उस वजह से थोड़ा रुखा मैं। और मैंने अपने भाई से बोला कि भाई तू आगे हो जा, हमें थोड़ा सा वो रहेगा कि टेंशन वेंशन नहीं होगी कि हाँ अपनी बाइक आगे है वो वाली। हमारा क्या था, हम तो आगे पीछे चले ही जाते, मतलब लाइक जल्दी भी भगा लेते और पीछे भी चला लेते, तो यही बात चलती रही हमारी आपस में। और ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे गुजरते वही 30-35 किलोमीटर ऐसे गुजर गए, हमें अभी तक तो कोई बारिश नहीं मिली थी, अभी आगे घंटी जो बजने वाली थी ना, मतलब कहते हैं ना कि अलर्टमेंट की घंटी कि भैया अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम तुंगनाथ ही नहीं पहुँच सकते, और कोई ज़्यादा दूर नहीं था, तुंगनाथ 3 घंटे का रास्ता था सिर्फ, 70 किलोमीटर
अगर प्लेन एरिया होता तो 1.5 घंटा, अब देखो पहाड़ों पे तो वही है कि डबल हो जाता है घंटे, तो वही वाली चीज़ है। हमें वहाँ पे आने के बाद में लाइक जहाँ पे हम पहुँचने वाले थे, और तो यहाँ से पता चला कि भैया रुद्रप्रयाग इतना है, गुप्त काशी इतना है, ये फाटा के आसपास की जगह थी, यहाँ पे कोई बारिश नहीं थी। बट हाँ, बारिश हमें बहुत तकड़ी मिलने वाली थी। ऊखी मठ में हम जैसी एंट्री करते हैं ना, इतनी तकड़ी बारिश मिली। और वहाँ पे ना ऐसा भी था कि ट्रैफिक लगा हुआ था, सर दर्द ऐसे हो गया कि भाई साहब पूछो मत, क्योंकि आपने जो जितने भी कपड़े वपड़े थे सब गीले होने लगे। तो वहीं पे एक शॉप मिली, उस पर लाइक बुलेट लगाई। वहाँ पे हमने जो जादू का जो सामान था, यानी जादू मतलब बने थे हम केदारनाथ में, अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मतलब पिछले व्लॉग में। तो भाई उसमें वो जो था, वो हमने क्या काम किया था, एक बैग में रख लिए थे, दो ठीक मिले थे। मेरा वाला जो था वो फट गया था जब मैं उतार रहा था, तो उन्हें फाड़ा और बुलेट पे लाइक चिपकाया, तो जब जाके हमें शांति सी मिली। अभी आगे देखने को मिलेगा क्या क्या सीन हुए। बाकी तो यहाँ पे ऐसा था कि ये जो उखी मठ से और केदारनाथ तक का है, वहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है, रोड बनती रहती हैं, तो वो वाली चीज़ है। ऐसे ही यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और ये रोड बन रही थी। तो अभी आगे एन्जॉयमेंट मारो, अभी दिखाते हैं हम बारिश कि पहाड़ों पर बारिश कैसी होती है, और जब तुम बाइक से जा रहे हो तो टेंशन कितनी हो जाती है जब तुम्हारे पास वाटर प्रूफिंग का कोई सिस्टम ही ना हो कि बैग वैग पे कुछ लगा दें। तो अभी देखने को मिलेगा, टेंशन मत लो, रुक जाओ बस एक सेकंड और रुको, और मेरा वॉइस ओवर कैसे लग रहा है उसके लिए कमेंट मार दो फेंक के, ठीक है। और इस रोड पे चलाने में मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था कि भाई साहब, क्योंकि दूसरी तरफ खाई थी और रोड बेकार थी, बाई चांस अगर मतलब टायर के नीचे पत्थर वत्थर आ जाता तो देखना कितनी मतलब फास्ट में ज़्यादा खाई है, गलती से इधर ही हो जाता। और क्योंकि देखो मेरी बाइक पे जो मैं बाइक चला रहा हूँ, पीछे एस बैठा था, 400+ kg वजन था इस बाइक पे, पर फिर भी भगवान जी का नाम लेके हर हर महादेव बोल के हम चल ही रहे थे। कोई दिक्कत बाजी आनी नहीं थी, क्यों, क्योंकि भैया हमारे ऊपर तो हनुमान जी का आशीर्वाद, दूसरा महादेव का साथ, तो फिर और क्या ही चाहिए। तो वही वाली चीज़ है, अब ऐसे ही चलते चले गए। और तो भाई एक मतलब रोड जो थी कम से कम 4-5 किलोमीटर तक की ऐसी ही मिली थी, तो देख के जाना, ध्यान से जाना अगर तुम जा रहे हो उखी मठ से केदारनाथ की तरफ, तो ऐसी ही रोड मिलने वाली हैं। यहाँ पे रिसेंटली लैंडस्लाइड हो गई थी, क्योंकि नहीं तो यहाँ तो रोड तो बहुत मस्त थी, क्योंकि नीचे देखो साइड में रोड बहुत चौड़ी थी यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आगे मिलते हैं, वेट। अरे यार ये तो बताना ही भूल गया फिर से एक सवाल। तो भाई यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़े तो फिर से पेट में चूहे दौड़े, क्योंकि देखो पीछे एक एक पराठा ही खाया था, और आलू के पराठों से भाई बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यहाँ एक छोटा सा ये हीरा लाल कुछ करके था, हीरा लाल जो भी था हीरा, तो ये एक रेस्टोरेंट मिला था। यहाँ पे एक डोगी बहुत ही प्यारा है, अभी हमारे पास भी आएगा। यहाँ पे हमने एक एक पराठा मंगाया और इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया के बस ऐसा पराठा खिला दो कि पूरे पहाड़ों में निकाला हो, क्योंकि यहाँ पे जो पराठे हैं आलू थोड़ा सा कम डालते हैं अपनी तरह, ऐसे नहीं है कि मूर्थल वाला पराठा मिल जाएगा जिसमें आलू ही भरे हों अंदर, या फिर अपने घर की तरह के आलू वाले। तो इनसे रिक्वेस्ट की और मैं कहा थोड़ा सा देखो, ये आ गया, इसका नाम हम रख के आए थे काड़ू, क्योंकि देखो ऊपर से काला था ना, और बड़ा ही मतलब ऐसा था कि मिलन अनुसार टाइप वाला। तो अभी ये हमारे साथ मज़े भी मारेगा नीचे चल के, फिर हमने इसे थोड़े से बिस्किट भी खिलाए। और देखो बात ये है, अगर डॉग वंस इन अ वाइल बिस्किट खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट हाँ डेली का दिक्कत है कि उस पे फर पे भी दिक्कत होगी, और मीठा खाएगा तो खुजली भी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, आई नो। तो हमने एक ही बार खिलाया था, वो ज़्यादा नहीं खिलाया, तो कभी कोई ज्ञान पेल ले आए तो उससे मैं पहले ही बता दूँ मैं वो वाली चीज़, ठीक है, थैंक यू। अभी नीचे चल के पराठा एंजॉय करते हैं, और फिर वहाँ पे वही रियल टाइम वाली वॉइस मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी ध्यान नहीं दिया। देखो इतनी मतलब मैं जल्दी के चक्कर में हम यहाँ भी ध्यान दे सकते थे, बट यहाँ भी अरे यार सीन हो गए, मैंने वो ध्यान दिया नहीं कि एक पहले टाइम लैप्स बनाया था तो वही बन गया दोबारा से। तो भैया अपना लंच लग गया है, आलू के पराठे, और भाई साहब ने खा लिए हैं फिनिश, और भाई साहब का भी फिनिश। अभी तक मेरा एक टाइम लैप्स बना रहा था तू एक बाइट टूटी है और उससे पहले खत्म हो गया लोंडे का, तो तू टाइम लैप्स बना रहा है ना भाई, धीरे-धीरे बारिश भी पड़ने लगी। तू यूट्यूबर है ना, तू जनता को दिखा हम खाते हैं बढ़िया भाई, पर
तमीज का पराठा मिला ऊपर के बाद में। हाँ आलू चाय, आलू के पराठे भी बहुत, मतलब आलू के पराठे का ना, पराठे के अंदर आलू बहुत भर रखे हैं। अरे चाय सबसे बड़ी बात, अदरक बोल दी मैंने, कहा अदरक डाल दियो भाई, घर वालों की आदत है कि अदरक डाल के पीते हैं, तो वही आदत हमें और रखी है, हमें भी वही चाहिए। और तू का चाय को ना पीरा, मेरे गैस बन जावे तेरे। मैं चाय पीऊं कहूं, चाय तो मैं भी ना पीता फिर भाई। क्या तो पार्टी बदले है, क्या पार्टी बदले, ब्लॉग में बिल्कुल भी अपने आप को कुछ नहीं दिखाता, नहीं कह रहा। मैं पीता रहा हूं, मारूंगा ना झापड़, ऐसा झापड़ मारूंगा आधे टाइम किसने पीछे है। तो यार कभी कभी पी ले, मन कर रहा तो फिर यूं कह रहे हैं एसिडिटी हो रही है तुझे ऊपर ना, ऐसा कुछ देर सर। अब ये वो यूं कर, इनो कर मारा बोलना, अरे बोलना जवाब कहां गया, बोलना क्यों ना बोल भाई, इसकी इतनी आवाज आ रही है, गूंज रही है, मतलब पूरा इतना जर नहीं, जब तू बोल रहा तो पीछे से वापस आ, अरे बोलना हम भी सुन रहे हैं, और नहीं नहीं हम भी परेशान है, ये भी परेशान है, तो बोल फिर। चलो भाई अब तो भाई खाना पीना हो गया अपना, और अब निकल जाते हैं। और देखो हमारा छोटू थोड़ा ज्यादा ही फास्ट चल रहा है, मतलब चल ठीक है, हाथ धो ले बाइक पे बैठ के, कह रहा चलो चलो दे दे वो बैठ, वहां पे देखो वो खड़ा पीछे आ गया तो कैमरा, हाँ देखो वो खड़ा पीछे है ना, जूम कर देता हूँ, देखो वो खड़ा तो वहाँ पे पहुँच के यार चलते क्यों ना। और अभी मेरे ना जैकेट ना, मतलब ये हटाया, ये गद्दी लेकर चल रहा है भाई सॉफ्ट कुशनिंग के लिए, यश। और भाई पीछे का जो व्यू है, और भाई ये जो लाल हो रखे हैं ना, ये इस वजह से हो रखा है क्योंकि अंदर भैया बहुत बुरी ठंड है, ऊपर देखो ये कैसे हो रखे हैं तो ये वजह से हो गए हैं। पीछे का व्यू भाई आए हाय क्या ही, और मतलब ये रेस्टोरेंट आए हाय मज़ा आ गया, पराठे खा के और बढ़िया से पराठे बना के दिए हैं, क्या ही कहने वाली बात। अब देखो अब व्यू में मज़ा आएगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम आउट हो गया भैया। होटल मतलब उत्तराखंड में ना, एक चीज़ बताता हूँ, केदारनाथ के पास भाई बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तकड़ा करके। देखो यहाँ पे भी ये हुआ है कि पूरा ये होटल बन रहा है तकड़ा करके, और व्यू देख लो एक बार भाई, यहाँ पे देखो पहाड़ वाली फार्मिंग नीचे से लेकर ऊपर तक, धान वान बो रखे हैं आई थिंक। और भाई मैं अभी देख रहा हूँ, मतलब कैमरे में मतलब अभी देखा है ये कि मेरे ये बोल रहे थे तुम दोनों लाल क्यों पड़ रहे हो, मैंने कहा पता है ना हल्का फुल्का हो रहा होगा, पर अभी जब मैंने कैमरे में मतलब वीडियो चलते हुए देखा है ना, वो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पर चलो छोड़ो। भाई जब हमें पता चल ही गया था कि आज भी बारिश हमें करवाने वाली है लेट, तो भाई अपनी जो बुलेट थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रखी थी, दिक्कत आ रही थी मतलब लाइट की, अपर बीम थोड़ी सी चलनी बंद हो गई थी क्योंकि बारिश पड़ रही थी, तो उसमें थोड़ी सी अर्थिंग हो गई वायरिंग में। तो भाई को दिखाया कि भैया अर्थिंग जैसे भी जो भी हो रहा है कि भाई करो इसका सिस्टम सेट, और साथ में हमने फिर यहाँ पे चैन ल्यूब भी करा ली अपनी, और दोनों बाइकों की चैन ल्यूब करा ली थी, क्योंकि देखो ऐसा है कि जब आप निकलते हो माउंटेन्स पे या कहीं भी घूमने निकलते हो, तो देखो 500 किलोमीटर पे चैन ल्यूब करवा लिया करो, क्योंकि एक जैसे शरीर का दिल यानी आदमी का जो दिल होता है वो उसके बगैर अच्छे से काम नहीं करता, तो इसी हिसाब से ये भी एक तरीके से मान सकते हैं कि ये भी एक दिल की तरह ही है, मतलब जो चैन है जितनी अच्छी ल्यूब रहेगी उतनी अच्छी हमें माइलेज मिलेगी, उतनी अच्छी हमें पिकअप मिलेगी, उतना अच्छा एक्सेलरेशन मिलेगा, उतनी अच्छी स्मूथ चलेगी। तो बाइक तो भाई 400-500 किलोमीटर के बीच में चैन ल्यूब करवा लिया करो। हमसे गलती ये हो गई थी कि भाई हम ले जानी भूल गए थे चैन ल्यूब की स्प्रे, ये सब खरीद के ले आए थे, घर पर ही रह गई। मतलब हो जाता है जब कभी निकलते हो तो जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, छूट जाती हैं, तो इसी तरीके से हमारे साथ हुआ। और ये जो मैं रबड़ दिखा रहा था, ये हमने किसी को दिखाई थी तो उसने कट कर दी थी ये जो रबड़ थी, तो ये ख़राब हो गई थी अपनी इस बुलेट की, तो फिर वही वाली चीज़ है, हमने बोल दिया कि लाओ भैया हमें दे दो, हम आगे जाके आपके पास नहीं है तो हम कहीं और डलवा लेंगे, आप टेंशन ना लो। तो इसी वजह से लाइट ठीक करवाई कि हमें पता चल गया था कि आज रात होने वाली है, तुंगनाथ नहीं पहुँचने वाले आज हम,
क्योंकि बारिश का ऐसा चल रहा था, आ रही थी जा रही थी, बारिश आ रही थी जा रही थी। रिकॉर्ड भी मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि भाई अपने पास जो था इसका वो नहीं था, लाइक कवर जो होता है वाटरप्रूफिंग टाइप, वैसे वाटरप्रूफ है पर फिर भी सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि मैं भी अपना फ़ोन एक पहले गवा चुका हूँ गोवा में जाके, तो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना बनता था, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं करा। ऊखी मठ में हम रुके थे, वहाँ पे इतनी देर तक बारिश पड़ी हमने, वो मतलब लाइक मतलब हमें जाने के चक्कर में हम ध्यान ही कि भाई रिकॉर्ड भी करना है, और यहाँ पे हम फिर से रुकना पड़ा हमें बारिश के चक्कर में। अब यहाँ से थोड़ी सी बारिश कम हो गई थी, पर आने वाले फिर से कुछ 2-3 किलोमीटर बाद फिर से तकड़ी करके बारिश पड़ने वाली थी। फिर यहीं आगे जाके एक पोथी बासा करके जगह है, हमें वहाँ रुकना पड़ा था, और यहाँ से मतलब लाइक जो ये जंगल और व्यू है एकदम चेंज हो गया था, और यहाँ पर ऑन रोड ही मतलब के भाई साहब बारिश में भीग के ना जा रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर बस 1-2 मिनट ऐसी हुई थी कि बारिश बंद ही हुई थी, वरना तो बारिश चल ही रही थी। अब पता नहीं क्या सीन था, कहीं बारिश कहीं कुछ, क्योंकि देखो कैमरे पे भी आपने देखा, ये देख रहे होगे ये जो वाटर के डॉट्स है वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हल्की हल्की बारिश यहाँ भी पड़ रही थी, मतलब झरना टाइप होता है ना वो चीज़। फिर हमने आगे जाके मतलब लाइक मन ही बना लिया कि भाई रुक ही जाए, एक काम कर इससे आगे जाते ही नहीं है, तो यहाँ से थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर और हमने खींची, फिर एकदम से और तेज़ बारिश आ गई। शायद इस वीडियो में थी या मैंने निकाल के रख लिया था कैमरा, मेरे को नहीं याद, क्योंकि ये मैं बहुत दिन बाद मतलब बहुत दिन क्या 3-4 दिन 4-5 दिन बाद ही दोबारा से मतलब अपनी वॉइस ओवर देके इसे डालूंगा मतलब इस पर। और देखो यहाँ से ना शुरुआत हो जाती है और भी तेज़ बारिश की, बट यार व्यू इतना प्यारा था ना एकदम मौसम। और बहुत सारे भाई मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे, अगर तुम देख रहे हो ना भाई तो ये जो रास्ता है वन ऑफ द मोस्ट मतलब मेरी लाइफ का सबसे प्यारा रास्ता था। ऊखी मठ से चोपटा के लिए जाते हैं, यहाँ पे टैक्सीज भी चलती हैं और अपनी पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हो, रेंटेड बाइक से भी जा सकते हो, और आगे देखो खुद ही रोड कितनी प्यारी है, और साइड में देखो कितने अच्छे अच्छे मतलब पहाड़ हैं, एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़, ऊंचा पहाड़, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा था कि ये जो एरिया है इधर का 10-10.5 फीट 1000 ऊपर था, और जैसे हम ऊपर वहाँ जाने वाले थे वो 13,500 फुट के ऊपर, क्योंकि जो तुंगनाथ का वो है वो बढ़ने वाला था, तो वही वाली चीज़। तो अगर तुम जाना चाहते हो तो भाई मस्ट विजिट, मतलब मोस्ट रिकमेंडेड जिसे कहते हैं ना मोस्ट रिकमेंडेड जगह तुंगनाथ, भाई बिल्कुल जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है केदारनाथ में आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिक जाने लगी है, तुंगनाथ मध्यमेश्वर इनमें कोई नहीं जा रहा, रुद्रनाथ और इनमें, भाई एक बार यहाँ भी तो जाके देखो, यहाँ भी तो ट्राई करो एक बार जाके। मानता हूँ कि ये मध्यमेश्वर और रुद्रनाथ का थोड़ा सा ट्रैक हार्ड है, और देखो ये ऊंचा बेसक से ही तुंगनाथ का, बट ऐसा है ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दिन में जाके वापस आया जा सकता है इफ़ यू हैव एन एनर्जी और डायरेक्ट जा रहे हो तो। और बस ये है कि कोई दिक्कत आने नहीं वाली, और आगे देखो व्यू पहाड़, देखो एक और पहाड़, क्या मज़ेदार पहाड़ है। मैं यहाँ पे यही बता रहा था कि कितने प्यारे से पहाड़ हैं, मतलब मज़ा आ रहा था कि हाँ मतलब कहीं बाइक अच्छी सी जगह बाइक चला रहा हूँ। ये मतलब लाइक चौथा पांचवा दिन था हमारा, नहीं चौथा ही दिन होगा शायद, तो मतलब लाइक मैं पीछे अपने यश से बोल भी रहा था, देखो यहाँ पर टैक्सी भी चलती है, ये बोल भी रहा था कि यश से कि भाई एकदम जन्नत में आ गए, तो वो जन्नत वाली जगह थी। तो अगर तुम जा रहे हो ना तुंगनाथ भाई मस्ट विजिट, ठीक है जी। और अभी आगे एंजॉय करो, अब ये जंगल देखना कितना भारी हो जाएगा, और यहाँ पे बारिश और भी ज़्यादा भारी होने वाली है, और हम पूरे भीग चुके थे, हाथ वाथ पैर वैर ऐसे सुन्न हो गए थे पूछो मत, और मेरे ग्लव्स जो थे मेरे बैग में अंदर रह गए थे, और मतलब एक फिर वही वाली चीज़ है जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं चलो 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 वाली चीज़ हो जाती है ना, तो उसी वजह से मैं कहा भागो जल्दी से अब तो इसी वजह से हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं आई, बड़े आराम से हम पहुँच गए, और हमें अच्छा सा एक होटल भी मिल गया प्यारा सा, अभी होटल में ही मिलते हैं चल के, ठीक है जी।
ये स्क्रीन शॉट लेके इन्हें कॉल करके बुकिंग करवा लेना। मतलब ये तुम यहाँ से ना 15-16 किलोमीटर है, यानी 40-1 मिनट लगेंगे आपको पहुँचने में तुंगनाथ। तो मैंने इससे ये बोला कि भाई सुबह सुबह यहाँ से चल लेंगे, और देखो व्यू भी एकदम अच्छा था यहाँ पर, देखो वीडियो वीडियो भी अच्छी बन जाएंगी, ये देख रहे हो पीछे की। तो मैं कहा यहीं कर लेते हैं, और अभी कौन सा रूम है मेरे को भी नहीं पता। अरे कौन से में आओ बताना, शेर सिस्टम हैंग हो गया भाई। कैसे भाई यो का कहता फिर रहा तो भाई भीग गए कपड़े भाई, तू पहले बंद कर कपड़े भीग गए भाई, अरे पागल पागल कपड़े भीग गए, तू पहले कैमरा बंद कर यार, ये क्यों बदतमीजी भाई अपना कुछ ऐसा है ये कैमरा लेके आ रहा। अरे तो मेरा चीट पैर पर आए मेरे को, काहे को चीट पैर पर आए मेरे को। ये भाई अपना कुछ ऐसा रूम है, लाइट वाइट का प्रबंध है, सब गीले हो गए, ये भी गीले हो गए होंगे। पिल्ली ना उड़ता ना तो बैग बच जाता। और वो कहाँ है, कोई बोर्ड बोर्ड है लगाने के लिए? वही मारे फोन कर रहा है, फोन काट रहा फूफा, मैंने कहा एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ पे एक बस कहाँ। अच्छा एक ही है, चल तो पूछ लेंगे एक्सटेंशन बोर्ड के ऊपर। यार अगली बार से पक्का लेके चलेंगे यार, बहुत जरूरी चीज है यार, एकदम ऐसी है एसेंशियल के भैया लेके जानी पड़नी चाहिए, मतलब हम जैसे को। मैं इस बार भी ला रहा था अपने कंप्यूटर वाला, मेरे ध्यान से निकल गई पता नहीं कैसे। अबे यार मेरे खुद याद नहीं कितने सॉकेट हैं, कितने होंगे गैस कर, तूने लगाए तो है वो वही वाला 7 सॉकेट है वो। हां वो सारे पावर लगाने था ना, हो सके पड़ोसियों के भी चार्ज करवाए थे हम। चलो भाई कोई दिक्कत ना, अब छोड़ो जो हुआ, आगे से ख्याल रखेंगे। रूम ले लिया, अब ठंड लग रही है, पहले भाई अपना फोन कर लेते हैं। अरे यार मिलते हैं, तेरी ये भी गीली हो गई तू भाई कैमरा। तो भाई होटल में रुकने के बाद में नीचे रूम पर पहुंचे, हम खाना खा रहे हैं और अपना ये दाल चावल, और दाल चावल कह रहा था मैं दाल और रोटी और गोभी, आलू गोभी की सब्जी। तो और भाई बारिश पड़ने के बाद में भाई इतनी ठंड हो गई है, पूछो मत ना, हवा खराब है। जैसे केदारनाथ तकड़ी तरह ठंड हो गई है, विटामिन जादू। और भाई यहाँ भी सिग्नल ले आ रहे हैं, यहाँ भी सिग्नल खत्म है यार, यहाँ चल बिजली भी आ गई। अच्छा अच्छा यहाँ बस ये टावर और सही हो जाऊँ मैं, लाइट भी कम है ना, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ आ रही है, इन्वर्टर नीचे भी सोलर वगैरह का भी काम है शायद, क्योंकि वो ना लाइट का थोड़ा इशू है, लाइट की थोड़ी दिक्कत है यहाँ पर, इसीलिए नेटवर्क की दिक्कत है।